अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग. ये व्लॉग या रिएक्शन वीडियो आप लोग बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे थे. आप लोग सोच रहे हो कि इतना तैयार क्यों हुई, बिकॉज आप लोगों ने कल की लाइव देखी होगी. मैं इसलिए तैयार हुई हूँ और मैंने लाइव खत्म करके अभी रिएक्शन वीडियो बनाने का सोचा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ. मुझे बहुत जल्दी पहले बना लेना चाहिए था बिकॉज ऑफ दावत एंड ऑल दैट स्टफ ईद की, तो उसमें मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी. लेकिन आज तो होएगा, हो ही जाए. तो वैसे मैंने गाना सुन लिया है, ठीक है. बट मैंने गाना सुना है, वीडियो नहीं देखी है. तो या वीडियो मैं फर्स्ट टाइम देखूंगी आयुष की. गाना मैंने ऑलरेडी सुन लिया था, हाफ, पूरा नहीं सुना था, लेकिन अभी मैं पूरा सुनूंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लैपटॉप इज नॉट चार्ज. मैंने अभी इसको चार्ज पे लगाया है एंड देन ये चार्ज होता है तो हम फिर रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो मेरा लैपटॉप अभी थोड़ा सा चार्ज हुआ है और ये मैं स्टार्ट करने लगी हूँ. वी विल वॉच द एड एंड देन स्टार्ट. ओके, इसके जो लिप्स है ना, लाइक इट्स नेचुरली सो पिंकिश रेड, यू नो. इससे पता लगता है दैट ही इज नॉट इन टू स्मोकिंग और समथिंग, यू नो. इसके मतलब ही इज नेचुरली सो 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 ब्यूटिफुल. माशा अल्लाह, अल्लाह मुबारक. ओके, सो मैंने इसकी देखी थी, दिस थिंग क्या था, आई थिंक जिन्होंने डायरेक्ट किया है, मतलब जो इस वीडियो के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने फीड पे लगाई थी कि व्हाट यू गाइस सी एंड व्हाट वी सी. तो वो आयुष के ऊपर से जो है ना वीडियो बना रहे थे, इट वाज सो फनी. और यही कवर पेज भी आयुष के गाने का, इट्स सो लाइक इट गिव्स अ वेरी विंटेज लुक. अगर मतलब आप लोग हॉलीवुड के सॉन्ग सुनते होगे ना, बेसिकली उसी तरीके की शूट है, जहां तक मुझे लगता है. बाकी आप सबके अलग अलग ओपिनियन है. सो या this line is very famous, right? This line. Banu ikle basera runchu. Runchu? Stranger Things, you know आयुष की ड्रेसिंग एंड ये जो भी जगह है, जो भी मतलब जगह दिखाई है, Stranger Things वाइब दे रही है. अगर आप लोगों ने Netflix पे वो सीरीज देखी है, लाइक अमेजिंग. मुझे तो मतलब बिल्कुल आयुष वो Stranger Things का ही कोई कैरेक्टर लग रहा है. अमेजिंग. ये लाइंस काफी टचिंग है, डीप. ah.
ओके तो ये रात में वो बारिश हो रही थी जो बेचारा आ नहीं पाया था लाइव. ओके सो दिस इज द पार्ट जहाँ पे बारिश हो रही थी. ओके द मून, वाओ. मैं नेपाल में कब आई? I'm gonna give a huge shout out and an appreciation to the team जिसने video किए यार. Like I don't know क्या बोलते उसके लिए, क्या specific word है, but the cameraman Ayush, your cameraman is amazing and the concept of the video, it's amazing. I swear I haven't seen इस तरीके की video. Like wow, लगी नहीं, ऐसा लग रहा है कि मतलब तुमने कितने कितने करोड़ लगा दिए इस video पे. बड़ा big project है, you know, इस तरीके की. ऐसा लग रहा है किसी film का कोई part है. Amazing, माशाल्लाह. Directed by Sushil Sapkota. Sushil, you have done an amazing job. Amazing. Thank you so much for this masterpiece. Love it. Love it. Maya, मतलब जो सात समंदर था वो तो मेरा favorite है. Like this one is मतलब जितना expect किया था लो उससे भी ज़्यादा है. Wow. Amazing. Some of you guys were asking me कि आपको तो नेपाली समझ में नहीं आती, तो आपको उसके सॉन्ग समझ में आते हैं कि नहीं. मैं गूगल मतलब गूगल में घुस घुस के पूछ लेती हूँ गूगल आंटी से. कुछ कुछ समझ में आता है, कुछ कुछ नहीं आता. लेकिन इस सॉन्ग का मैंने निकाला है पूरा. आई एम गोना टेल यू गाइस. बहुत सारे मेरे व्यूअर्स और आयुष के और मेरे इंडिया पाकिस्तान से जिनको नेपाली समझ में नहीं आती है, तो आई एम गोना ट्रांसलेट दिस सॉन्ग. I will try my level best. अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे नेपाली जो देख रहे हैं वो करेक्ट कर सकते हो. ओके प्लीज. अपने दुपट्टे की शोखी मारने ही भूल गई थी कि यार मैं इतना प्यारा दुपट्टा है दुपट्टे पहनना भूल गई थी. एनीवेज सो मैंने निकाला था. आई एम गोना यू नो आप लोगों को बता दूं. तो एक होरो माया इज बेसिकली वन साइडेड लव. ठीक है, तो स्टार्ट यहाँ से होता है. यो हवा संगई उड़ेरा तिमरो समूह होना पाए. मतलब इसका मतलब ये है, ये हवा के साथ उड़कर तेरे सामने होना चाहता हूं. ठीक है, फिर ये बादल बनी तिमलाई शीतल चौ दिना पाए. मतलब ये बादल बन के तुम्हारे साथ शेडो की तरह चलना चाहता हूं. फिर तेरा एक खोरो माया गरेरा मात्रा न होना रहे चाहे, जिसको मैं पता नहीं क्या बोल रही थी. तो इट मीन्स लेकिन सिर्फ मेरा प्यार काफी नहीं है. कहाँ गया मेरा सिर्फ, लेकिन सिर्फ मेरा प्यार काफी नहीं है. मन परे को मंचे मनाई मतलब इसका मतलब जिससे प्यार करते हैं वो तो दिल में ही होता है. ठीक है, फिर वो तिमलाई बिरसन माया मलाई छोटी मरने पर चा. मतलब तुम ये वाली लाइन काफी डीप है. मतलब दिस वन इज सो क्लोज टू माई हार्ट. तुमको भूलने के लिए मुझे एक बार मरना पड़ेगा. इतना डीप के कहां से सोचता है. मतलब ओह माय गॉड, पता नहीं कहां से सोच लेता है ये. एनीवेज नेक्स्ट का बरु इकलै बसेरा, ये तो गया ना. हाँ, बरु इकलै बसेरा रुंचु तिमि संग बिताए तिनहरु. मतलब तेरे साथ बिताए हुए पल याद करके अकेले रहूंगा. तो मेरा रोंचू जो मैं उस वक्त बोल रही थी वो मेरा रोंचू ठीक था.
तो समझ में आया, इसका मतलब ये है कि तेरे साथ बिताए हुए पल याद करके अकेले रोऊंगा। मत रो, मत रोना नहीं, रोना नहीं, रोई तुम्हारी दुश्मन। एनीवेज आगे क्या है? हाँ समझे, ओके। तेरा पशु माया, यानी तुझे याद करूंगा माया, तुझे याद करूंगा माया। फिर इसका सेकंड जो डीप लाइन है वो ये है, कुछ अधूरा थे जो पूरा हो ना सके ना, मतलब इसका कुछ अधूरा सा था जो पूरा ना हो पाया, फिर कोई मेरो थियो जो मेरा हो ना सके ना, मतलब कोई मेरा था जो मेरा हो ना सका। फिर ये दो बार वही चीज है, कुछ अधूरा सा था जो पूरा हो ना सका, कोई मेरा था जो मेरा हो ना सका। फिर वो सुनी दियो यो गीत तिमरो नाम सीता जोड़ेरा, मतलब इस पूरे उसका मतलब ये है, ये गाना आज मैं तुम्हारे नाम के साथ जोड़कर गा रहा हूँ। फिर वही बरो इकलई बसेरा रोंचू, मतलब तेरे साथ बिताए हुए पल याद करके अकेले रहूंगा। एंड देन तुझे याद करूंगा माया, मतलब वो लास्ट में जो बोलते हैं ना, समझे रा बसु माया, मतलब तुझे याद करूंगा माया। इतना डीप सॉन्ग तुमने लिखा कैसे? मुझे इसके दो दो पार्ट्स जो मुझे काफी डीप लगते हैं, वो पहला ये था कि मन वो आई हैव टू लाइक मन वो कि मुझे मरना पड़ेगा तुम्हें बुलाने के लिए, और दूसरा ये कि कुछ ऐसा था जो पूरा हो ना पाया, इनकम्प्लीट सा रहा। तो ये दो चीज़ें मुझे काफ़ी डीप लगी। आप लोग भी बताना कि आप लोगों का कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच, वी हैव क्रॉस्ड आई थिंक 1.6 मिलियन व्यूज़, और हम काफ़ी टाइम तक ट्रेंडिंग में रहे थे। आई थिंक हम लोग अभी भी ट्रेंडिंग पर हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट, यू गाइज आर ट्रूली अमेजिंग। थैंक यू सो मच। अ ह्यूज शाउट आउट टू द टीम ऑफ इक्रोहू माया, द डायरेक्टर, द कैमरा मैन आयुष, जिसने भी कंपोज किया है, एवरी वन, यू गाइज हैव डन ए ग्रेट जॉब, कीप इट अप, लव इट, थैंक यू सो मच। एंड आई होप आप लोगों को मेरी रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी छोटी सी है बट मैंने जल्दी बना ली, बिकॉज यार हो गया था, आप लोग काफ़ी वेट कर रहे थे। तो आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। आई सी यू गाइज इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल सो मच, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग माई आयुष, बाय 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 एवरी वन, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। I was taking this cover picture and I realized कि हम छेकते हैं साथ। ओके बाय गाइज।